दादाजी आज कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा साइड हो। कहेंगे आप रामदेव जी कुछ कहेंगे? आपने अखबार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है इश्तहार भी छपा दिया, माफी मांगी, क्या उम्मीद करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट माफी कबूल करेगा? रामदेव जी कुछ कहेंगे? बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन का केस दायर करने वाले IMA की ही अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी खासी खिंचाई कर दी है। अदालत की फटकार के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने निजी तौर पर माफी मांगी थी। इसके बाद अखबारों में विज्ञापन निकालकर भी माफी मांगी गई। इसके बाद IMA के अध्यक्ष डॉक्टर RV अशोकन ने एक इंटरव्यू में बयान दिया था, जिसके चलते वो निशाने पर है। अदालत की सुनवाई के दौरान एलोपैथी के डॉक्टर पर की गई टिप्पणी पर बात करते हुए अशोकन ने बेंच पर ही सवाल उठा दिए थे। इसी के खिलाफ अब पतंजलि ने अब IMA पर अवमानना की याचिका दाखिल कर दी। इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अच्छी खासी क्लास लगा दी। अब कोर्ट में नजारा बदला हुआ दिखाई दिया। कुछ दिन से लगातार खबरें आ रही थी कि रामदेव की सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की। रामदेव से सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने को कहा। रामदेव की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं स्वीकारा। रामदेव की माफी पर अच्छा खासा बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट को मनाने में रामदेव के पसीने छूट गए। और अब जब रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को मना लिया और सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की उस लिखित माफी की तारीफ की, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा यूटर्न यहां पर दिखाई दे रहा है। नजारा इस तरह से बदल गया कि जो अदालत अब तक पतंजलि की खिंचाई कर रही थी, उसी ने IMA के रवैये पर सवाल उठा दिए। जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने कहा, आप पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापन के लिए सवाल उठा रहे थे, उनकी दवाओं को हटाने की मांग कर रहे थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इस पर IMA की ओर से पेश हुए वकील PS पटवालिया ने कहा कि हम अदालत की प्रशंसा करते हैं, लेकिन RV अशोकन ने सवाल उठाया था, जो कि एक अहम बात है। वकील ने कहा कि IMA के अध्यक्ष का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि अदालत के बारे में कुछ भी गलत कहे। इस पर बेंच ने कहा कि यह मामला कोई मामूली मामला नहीं है। IMA के अध्यक्ष ने मीडिया से ऐसे मामले में बात की है जिस पर अदालत में सुनवाई पहले से चल रही है। यही नहीं, अदालत ने कहा कि IMA के वकील का जवाब हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। बेंच ने कहा, ये देखिए कि उन्होंने अपना ही क्या नुकसान कर लिया, देखते हैं, हो सकता है कि हम आपको एक और मौका दे दें। जस्टिस कोहली ने कहा, एक बात हम साफ कर दें कि अदालत ये उम्मीद नहीं करती है कि कोई भी पीठ पीछे से हमला करे। इस अदालत को भी आलोचना का सामना करना पड़ा है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वकील ने PS पटवालिया ने कहा कि हमें अगली सुनवाई का मौका दीजिए। उन्होंने कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष माफी मांगते हैं, उन्हें समझ आ गया है कि उन्हें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा, देखिए मामला कैसे आगे बढ़ता है, अदालत की बात आप पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी पतंजलि आयुर्वेद पर होती है। गौरतलब है कि IMA अध्यक्ष के इंटरव्यू को लेकर आचार्य बालकृष्ण ने अर्जी दाखिल की थी, जो पतंजलि आयुर्वेद के MD हैं। रामदेव का ये मामला कई दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कई बार इस मामले ने सुर्खियां बटोरी हैं।
सुर्खियां बटोरने के बाद जिसमें रामदेव को बार बार अदालत के चक्कर लगाने पड़े थे और उनकी अच्छी खासी फजीहत हो गई थी, अब उसके बाद ये मामला थोड़ा सा अलग टर्न ले रहा है, क्योंकि अदालत के सामने कोई भी आए, चाहे वो याचिकाकर्ता हो या फिर वो याचिका के जवाब में अपनी सफाई पेश करता हो, दोनों ही तरफ अदालत का रवैया एक जैसा रहता है। अदालत में अभी तक जस्टिस हिमा कोहली ने रामदेव की अच्छी खासी हालत खराब कर दी थी, लेकिन अब रामदेव को माफी मांगने के बाद एक मौका मिला है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बड़ी गलती करके पलड़ा दूसरी तरफ ही भारी कर दिया। यहां से चर्चा ये शुरू हो गई है कि रामदेव ने इस हालत को किसी भी तरह से संभाल लिया हो, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिसने पतंजलि के खाने पीने की चीजों पर मुकदमा किया है, अब वो भी कटघरे में आ रही है, क्योंकि बार बार चर्चा के दौरान कुछ भी बोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं पटरी से उतर रहा है। खैर, मुद्दा कितनी ही जल्दी पटरी से उतरे या वापस सुप्रीम कोर्ट इसको मुद्दे पर ले आए, मामला ये है कि पतंजलि के खान पीन की चीजों को लेकर कुछ प्रोडक्ट पर आईएमए ने ऑब्जेक्ट किया था और उसी मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यहां पर आचार्य बालकृष्ण ने वापस से आईएमए को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखना ये होगा कि आईएमए और रामदेव की इस लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला सुनाता है और न्यायपूर्ण फैसला सुनाते हुए भी लोगों को इससे कितनी राहत मिलती है। बाबा जी, आज कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा साइड हो। कहेंगे आप रामदेव जी कुछ कहेंगे? आपने अखबार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है इश्तहार भी छपा दिया, माफी मांगी, क्या उम्मीद करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट माफी कबूल करेगा? रामदेव जी कुछ कहेंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।